फ्रेंड्स, सच एक्सप्रेस नामक न्यूज़पेपर में आज ये खबर निकली है भोपाल से, जिसमें हेडिंग है, शिक्षक भर्ती परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों से ही होगी मॉडल स्कूलों में भर्ती। देखते हैं क्या है खबर में। केंद्रीय विद्यालयों की तर्ज पर प्रदेश के हर ब्लॉक में खोले गए मॉडल स्कूलों में शिक्षकों की व्यवस्था शिक्षक भर्ती परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों से ही की जाएगी। शासन ने इन स्कूलों के लिए 4,422 पद स्वीकृत किए हैं। मतलब जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की नियुक्ति होना है उनमें से 4,422 पद स्वीकृत हैं मॉडल स्कूलों के लिए, या इन स्कूलों में इतने पद रहेंगे 4,422 पद। तो इन पदों में जो चयनित शिक्षक हैं, नव चयनित, इन्हीं में से इनको लिया जाएगा, काफ़ी लोगों को इसकी संभावनाएं लग रही हैं। हालांकि इनमें से कितने पदों पर भर्ती होगी यह अब तक तय नहीं हो सका है। अभी तक यह स्कूल अतिथि शिक्षकों के भरोसे चल रहे हैं। इससे पहले शिक्षा विभाग मॉडल स्कूलों में सीधी भर्ती के माध्यम से शिक्षकों की नियुक्ति करने पर विचार कर रहा था, जिसका प्रस्ताव शासन को भेजा गया था। लोक शिक्षण संचालनालय से अधिकारियों द्वारा बताया गया कि प्रदेश में 201 ब्लॉक में खोले गए लगभग सभी मॉडल स्कूलों की बिल्डिंग तैयार हो चुकी हैं। मतलब ये बिल्डिंग का काम चल रहा था काफ़ी पहले से और अब ये तैयार हैं। इस साल 70% सीटों पर दाखिले भी हुए हैं। अभी कुछ समय पहले एग्ज़ाम भी हुए थे मॉडल स्कूलों में एडमिशन के लिए, जो पिछले सालों में के मुकाबले अधिक हैं। ज्ञात हो कि पिछले 2 वर्षों से उत्कृष्ट और मॉडल स्कूलों में प्रवेश के लिए परीक्षा राज्य ओपन बोर्ड द्वारा ली जा रही है। इससे पहले PEB द्वारा परीक्षा ली जाती थी। मध्य प्रदेश में मॉडल स्कूलों का कार्य 2009-10 में शुरू किया गया था। इसके लिए केंद्र ने प्रति स्कूल 3.02 करोड़ रुपये स्वीकृत किए थे। वैसे तो यह काम 2011-12 में ही पूरा हो जाना था, लेकिन स्कूलों की बिल्डिंग का काम तो पूरा हो गया लेकिन शिक्षकों की व्यवस्था अब भी नहीं हो सकी थी। फिलहाल इन स्कूलों में अन्य सरकारी स्कूलों से कुछ शिक्षकों की व्यवस्था कर दी गई है। इसके अलावा छात्र संख्या के आधार पर अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था की जाती है। तो अभी मतलब कैसे भी स्कूल अगर तैयार भी थे तो इस टीचर्स की व्यवस्था कैसे भी करके वो कर देते थे, कंप्रोमाइज़ था एक तरह से। अब चयनित शिक्षक मिलेंगे, क्वालिफाइड कैंडिडेट्स मिलेंगे, तो उन्हीं में से ज़्यादा लोगों को इन स्कूल्स में लिया जाएगा। दो स्कूल राजधानी में, भोपाल में भी ऐसे दो स्कूल राजधानी के दोनों ब्लॉक के लिए, लाल घाटी एवं हर्रा खेड़ा क्षेत्र को मॉडल स्कूल के लिए चुना गया था। फंदा ब्लॉक के लिए लाल घाटी क्षेत्र में बिल्डिंग तैयार की गई है। इसके लिए लंबे समय तक जगह न मिलने के कारण इसका काम लेट शुरू किया गया था, लेकिन इस बिल्डिंग का काम भी अब पूरा हो चुका है। वहीं बैरसिया ब्लॉक के लिए हर्रा खेड़ा में मॉडल स्कूल की बिल्डिंग तैयार हो चुकी है। मतलब बिल्डिंग सारी तैयार हैं, अब बस नियुक्तियाँ होना है। तो अब सीधी सीधी सी बात है कि अब जब चयनित सेलेक्टेड कैंडिडेट्स मिलेंगे, क्वालिफाइड कैंडिडेट्स मिलेंगे, तो फिर अतिथि शिक्षकों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो भी पहले जो उपलब्ध हैं उनसे काम चलेगा, और फिर भी कुछ बचेगा तो फिर उसके बाद में सोचा जाएगा कि गेस्ट टीचर्स को बुलाया जाना है कि नहीं। तो ये न्यूज़ थी आपके लिए, अच्छी न्यूज़ है, और हम मिलते हैं अगले अपडेट के साथ बहुत जल्दी। टेक केयर, थैंक यू सो मच।